जय श्री राम दोस्तों। भाई देखिए कितना डिलीशियस नज़ारा है, एकदम एरोमेटिक लग रहा है। आ गई हमारी कड़ी। जय श्री राम दोस्तों, कार्तिक दिस साइड। और आज हम आए हैं आपके लिए लेके बहुत चटपटे वो लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं गाजियाबाद में स्थित रवि कश्यप जी कड़ी चावल वालों के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत लोग कड़ी चावल के दीवाने हैं। इनके पास और भी कुछ आइटम है जैसे कड़ी चावल, राजमा चावल, मोट कचौड़ी, तो ये कड़ी चावल के लिए फेमस है। तो आज का ये व्लॉग कड़ी चावल का होने वाला है और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ ये व्लॉग बहुत ही टेस्टी और धमाकेदार होगा। तो एंड तक बने रहें और तब तक के लिए कमेंट में जय श्री राम लिख दें। तो बिना किसी देरी के व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। ये आ गया हमारा अमूल बटर। तड़का लगने जा रहा है, ये आ गया अमूल बटर और अनियन और लाल मिर्च साबुत वाली। तो गाइस अब हमारी कड़ी बनने जा रही है, ये अमूल बटर का तड़का लगा है इसमें, इसमें है प्याज और लाल साबुत मिर्च। इधर हमारे राइस है एकदम गर्मा गर्म। ये आ गए हमारे मिर्च मसाले। और ये आ गई हमारी कड़ी। भाई देखिए कितना डिलीशियस नज़ारा है, एकदम एरोमेटिक लग रहा है। देख के तो ऐसा लग रहा है एकदम माउथ वाटरिंग कड़ी है, बाकी एक बार हम आपको चेक करके बताएंगे लास्ट में। और इधर जा रहे हैं हमारे गर्मा गर्म चावल। भैया चावल में भी अमूल बटर आएगा है भैया? गाइस कड़ी के साथ साथ चावल में भी अमूल बटर आ रहा है। तो भाई हमने आपको पूरी रेसिपी दिखाई, रेसिपी देख के आपको लगा होगा बहुत टेस्टी है। अब हम असलियत में इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे। आज हम भी पहली बार ही आए हैं और हमने देखा कि बहुत भीड़ है यहाँ पे, आप अभी भी देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा है। बहुत ही एरोमेटिक एनवायरनमेंट था यहाँ का, जब अमूल बटर में कड़ी को पलटा गया बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी, देख के एकदम मुँह में पानी आ गया।
अभी देख सकते हैं इस प्लेट की कॉस्ट 60 रुपीज़ है। इसमें एक कड़ी पकौड़ा डला हुआ है, 2-3 पकौड़ी प्याज और भरपूर मसाला और भरपूर अमूल बटर चावल में भी और कड़ी के छौंक में भी। तो अभी देखते हैं, प्लेट देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। देखिए आप, बहुत बहुत टेस्टी है गाइस, अमूल बटर का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। तो गाइस मैंने देखा जो ये मिर्च का पकौड़ा है, इसकी बहुत दीवानगी थी। दीवानगी कैसी थी, बहुत लोग मिर्च खा रहे थे और मांग रहे थे, खा रहे थे और मांग रहे थे। मैंने देखा मिर्च के लिए कोई मना नहीं है और लोग कड़ी भी डलवा रहे थे, पकौड़ी भी डलवा रहे थे, रवि जी ने कोई मना नहीं करा। देखते हैं इस मिर्च में ऐसा क्या है। छोटे वाली मिर्च अंदर आलू भरा हुआ है और बेसन में लिपटी हुई है, और जो अनियन और जो ये मसाला डला हुआ है बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है, अल्टीमेट बहुत टेस्टी। तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का एड्रेस डालूंगा और भैया से भी बात करके आपको एड्रेस समझाऊंगा। तो आप लोग आना और कमेंट जरूर करना आपको कैसे लगी। थैंक यू भाई। तो भाई हमने तो खा लिया अभी भैया के यहाँ की कड़ी चावल है, मैं तो लगे बहुत अल्टीमेट बहुत टेस्टी। जो इनका मिर्च का पकौड़ा था उसका कुछ अलग ही टेस्ट था और अमूल बटर का भी परफेक्ट टेस्ट आ रहा था। अब अंकल जी खा रहे थे, अंकल जी से बात करते हैं कैसे लगा और कब से आ रहे हैं। अंकल जी नमस्ते भैया। नमस्ते, कब से आ रहे हैं आप। भैया यहाँ तो मैं करीबन 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से। हाँ जी। कितनी पुरानी दुकान है भैया। ये बहुत ही पुरानी दुकान है लेकिन मैं 10 साल से यहाँ रोज रेगुलर खा रहा हूँ। जब भी गाजियाबाद आना होता है मैं यहाँ खा के ही आता हूँ। कैसे लगता है। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट टेस्ट है भैया का ये कड़ी और चावल। अब ये समझ जाओ हम दिल्ली से यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आए हैं। कड़ी चावल इनका बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मोट चावल भी मैंने टेस्ट किया, इनके सारे फूड बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी फूड होती है इनके यहाँ पे। तो आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आपकी ऑडियंस को हम ये कहेंगे कि आप भैया के आए और जरूर कड़ी चावल एक बार ट्राई करें, है ना। और ये बहुत ही आप समझो अफोर्डेबल प्राइसिंग में अच्छी घर जैसी टेस्ट है इनके कड़ी चावल के। थैंक यू भैया। तो भैया को बहुत अच्छे लगे और हमें भी अच्छे लगे, तो हम रिकमेंड करते हैं आप लोग आना और टेस्ट जरूर करना। हम यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू भाई।